जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप सच्चे हिंदू और सच्चे भक्त हैं भगवान के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वृक्षराज के जितने भी जातक हैं, ये बड़े ही मन के सच्चे होते हैं, ये भगवान के असली भक्त होते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर विचार कीजिएगा। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि पता नहीं कितने सालों से इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और आप भगवान को जल अर्पित करते हैं, हम सब मिलकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है कि वो महाशिवरात्रि के दिन अगर हम अपने आप से एक कमिटमेंट कर दें, एक वादा कर दें, एक वादा, एक दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं आज, मेरा एक खुद से वादा है कि मैं अपने आप को उस गोल तक पहुंचा के रहूंगा। हालात रोकेंगे, टोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन मैं लगा रहूंगा, चला रहूंगा, घर से निकलूंगा, हर काम को पूरा करूंगा, लेकिन मेरा एक खुद से वादा है कि मैं अपने आप को उस गोल तक पहुंचा के रहूंगा, पहुंचा के रहूंगा, पहुंचा के रहूंगा। सच में यदि आप एक ऐसी कसम खा लेते हैं, एक ऐसे निश्चय कर लेते हैं जो आगे की तरफ जाता है, जो आपके मंजिलों की तरफ जाता है, आपको इस महाशिवरात्रि कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, वृक्ष राशि वालों, यदि आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो आज इस महाशिवरात्रि पर्व के दिन आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि नहीं, मुझे आगे जाना है, आगे जाना है। अगर सच में आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपके साथ ही रहते हैं, आपका हर एक काम करेंगे, हर एक काम हो जाएगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी राशिफल बताता रहता हूँ। चलिए मित्रों, इस महाशिवरात्रि पर्व के दिन हम सब खुशियाँ मिलकर बांटेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय माता दी।